सुख हम मौजूद हैं करतारपुर कॉरिडोर में। बहुत सारा प्यार मिला पाकिस्तान आके, कुछ अलग तो नहीं लग रहा है वैसे तो। माने प्रयत्न पड़ता इधर यूट्यूब चैनल अल्ली ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಮತ್ತೆ ಆಪ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ, ಯಾರೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ। ಬಹು ವದಿಯಾ ಬಹು ವದಿ ವರ್ಗೆ ಲೋಕ ನೇ ಅಪಣೆ ವರ್ಗೆ ಬಂದೇ ನೇ ಜೀ ಜೀ। ಸೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆಪ್ ಸಭಿ ಕಾ ಸ್ವಾಗತ ಹೈ ಕಿ ನೇ ವಿಡಿಯೋ ಮೇ। ತೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಸ್ ವಕ್ತ ಹಮ ಮೌಜೂದ್ ಹೈ ಕರ್ತಾರ್ಪುರ ಕಾರಿಡೋರ್ ಮೇ, ಔರ್ ಯೇ ದೇಖ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ಯೇ ಕರ್ತಾರ್ಪುರ ಹೈ ಔರ್ ಯೇ ಇಸ್ಕಾ ಹಾಲ್ ಹೈ। और वो हमारे हरचंद भाई भी लगे हुए हैं। फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा दरबार साहिब, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है और काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये इंडिया के बॉर्डर के बिल्कुल पास में है और यहाँ से सिर्फ आपको 4 से 5 मिनट लगते हैं। और लाखों की तादाद में इंडियन जो है वो यहाँ पर हर साल विज़िट करते हैं, गुरुद्वारा दरबार साहिब के दर्शन करने आते हैं और बिना वीज़ा के। तो आपको इसके लिए सिर्फ आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए और आप यहाँ पे आ सकते हो और गुरुद्वारा दरबार साहिब के दर्शन कर सकते हो। और अगर आप पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे आना चाहते हो तो उसकी टाइमिंग जो है वो 8 बजे से 5 बजे तक के करीब करीब होती है। लेकिन अगर आप हिंदू हो तो आप यहाँ पे रात को स्टे भी कर सकते हो, रुक भी सकते हो, अपनी फैमिली के साथ भी आ सकते हो, आपको यहाँ पे रूम और सब कुछ मिलेगा। तो आप अगर यहाँ पे आना चाहते हो पाकिस्तान की तरफ से, तो आपको जो है वो मीनारे पाकिस्तान के पास में एक बस स्टैंड है, वहाँ से जो बस मिलेगी नारोवाल से होते हुए शक्करगढ़ के लिए, क्योंकि ये गुरुद्वारा दरबार साहिब जो नारोवाल के शक्करगढ़ की तरफ है। तो वहाँ से जो आपके 500 के रेंट में यहाँ पे आप पहुँच सकते हो और गुरुद्वारा दरबार साहिब के दर्शन कर सकते हो। चलते हैं और आपको जो है गुरुद्वारा दरबार साहिब के दर्शन करवाते हैं। तो देख सकते हैं ये पिल्लर जो रिसेंटली लगाए गए हैं लोहे के, जो आप लोगों को दिख रहे हैं, बिकॉज पिछली बार जब मैं आया था तो ये जो है पिलर्स यहाँ पे नहीं थे। तो इससे देख सकते हैं गुरुद्वारे की खूबसूरती में और ज़्यादा इजाफा हो चुका है और बिल्कुल क्लीन और साफ़ व्यू है। और देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है गुरुद्वारा दरबार साहिब। और इस तरफ जो है वो गुरु नानक देव जी को लोग आते हैं, लाखों यात्री जो वो चादर और फूल वगैरह यहाँ पे चढ़ाते हैं। तो देखें कितना अच्छा व्यू है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को गुरुघर के दर्शन करवाते हैं। हाँ जी वीर जी, तुम्हारा नाम? मेरा नाम गुरिकबाल सिंह है जी। कैसे लग गया तुम्हें? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपने वर्गे लोग ने, अपने वर्गे बंदे ने जी जी, अपने वर्गे भरा ने सारे। कितों मेरी? मैं चंडीगढ़ तो। चंगा लगा वा? सो फ्रेंड्स, दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं दर्शन करने के लिए और जो है साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखा हुआ है। और ये गुरुद्वारा 2019 में जो है इसको ओपन किया गया था इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे। तो देख लें काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा है और काफ़ी साफ़ और अच्छा है। और ये है करतारपुर गुरुद्वारा साहिब, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आने के बाद और यहाँ पे दर्शन करके। इस तरफ कुआँ है वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो देख सकते हैं ये वो कुआँ है जिससे जो गुरु नानक देव जी खेती बाड़ी करते थे। तो इसको जो 40 से ढाँप के रखा गया है, लोग आते थे इसमें पैसे वगैरह भी फेंकते हैं अपनी मन्नत के हिसाब से। तो इस तरफ भी देख सकते हैं काफ़ी जो है सिक्के चढ़ाए हुए हैं। मैं आपको दूसरी साइड से जो दिखाता हूँ, तो ये वही कुआँ है जहाँ से जो है गुरु नानक देव जी खेती बाड़ी करते थे और लोग यहाँ पर आते हैं, सिक्के वगैरह चढ़ाते हैं मन्नत के तौर पर। तो देख लें, और ये बाहर का व्यू है। और इस तरफ जो एक गोला है जो कहा जाता है कि आज भी मतलब कि ज़िंदा एक गोला है, और ये उसकी पूरी डिटेल है। तो आप जो पॉज करके पढ़ सकते हैं, पंजाबी में और उर्दू और इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो गाइस, हमें यहाँ पे आकर दर्शन करने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो देख लें, ये था खूबसूरत दरबार साहिब। और इस तरफ जो वो लंगर हाल है, तो देख सकते हैं हर तरफ आपको साइन बोर्ड से लिखा होगा दिखाई देगा। और ये जो लंगर हाल के अंदर का व्यू है, बिल्कुल साफ़ सफाई रखी जाती है और आने वाले सभी यात्रियों को जो 24 घंटे यहाँ पे खाना लंगर जो है वो दिया जाता है। और
ये देखें सभी यात्री जो है लाइनों में बैठ के यहाँ पे जो लंगर लेते हुए, तो लंगर में रोटी और सब्जी है। और इस तरफ भी देख सकते हैं काफ़ी साफ़ और अच्छा खाना है। और इस तरफ जो है कुकिंग हॉल है जहाँ पे लोग जो है खाना वाना बनाते हैं। तो हर तरफ आपको साफ़ सफाई का पूरा पूरा ध्यान रखा गया है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। और चलते हैं आगे, और ये लंगर हॉल के बाहर का व्यू है। अब हम चलते हैं मार्केट की ओर और आप लोगों को मार्केट दिखाते हैं। हरे कृष्ण भक्तों जी, तो हम इस वक्त करतारपुर में हैं। और फ्रेंड्स ये है अजीता भाई जी मार्केट, जिसे बाज़ार भी कहा जाता है। और इस तरफ आप ATM वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। ठंडी हवा चल रही है और ऊपर की ओर हल्के हल्के से बादल भी दिखाई दे रहे हैं। इस तरफ जो है खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं जहाँ पे गोलगप्पे वगैरह सब कुछ मिलते हैं। तो गोलगप्पे की प्लेट जो है वो 150 रुपये के लेके 200 रुपये के करीब करीब होती है। और देख लें यहाँ पे समोसे वगैरह और फास्ट फूड वगैरह जो है वो आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। और इस तरफ देख सकते हैं पानी पूरी तैयार किए जा रहे हैं। और यहाँ पे जो है वो लकड़ी से बना हुआ सामान, मतलब कि काफ़ी जो है चीज़ें होती है अलग अलग वैराइटीज़। और इस तरफ जो ड्राई फ्रूट्स की शॉप है, तो और इस तरफ आप शूज़ वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं पाकिस्तानी। और ये देखें भाई खूबसूरत सी मार्केट बनी हुई है। और ये देख सकते हैं हमारे हरचंद भाई भी मार्केट का व्यू ले रहे हैं। और इस तरफ ज़्यादा आपको जो है लकड़ी से बनी हुई चीज़ें, पत्थर से बनी हुई चीज़ें, और ये देख सकते हैं मिरर, और ये जो ज़्यादातर लकड़ी से बना हुआ सामान है और दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ से लाखों यात्री लेके जाते हैं निशानी के तौर पे कि हम दरबार साहिब गए थे वहाँ से ये लेके आए हैं। तो देख लें कितना अच्छे अच्छे चीज़ें बनाई हुई है लकड़ी के साथ। ये देखें बहुत बड़ी मार्केट है और काफ़ी बड़ी शॉप्स है, बहुत ही बढ़िया देख लें। और इस तरफ बैग वगैरह देख सकते हैं काफ़ी जो अच्छे अच्छे डिज़ाइन है इसमें। और ये मार्केट है, यहाँ पे काफ़ी जो लोग यहाँ पे एक दूसरे से मिलते हैं और उनके साथ खाना वाना खाते हैं अपने रिलेटिव के साथ। तो अब जा रहे हैं आगे, हल्की हल्की सिफारिश हो रही है। इस तरफ जो ड्राई फ्रूट्स की शॉप है और ये थी अजीता भाई मार्केट्स। तो बहुत ही खूबसूरत व्यू है भाई, यहाँ देख लो भाई, ये फुलकारी पंजाबी वाली। अच्छा, एक दिन लगता है इसको भाई? हाँ जी, ठीक ठीक। तो भाई भी आए हैं हमारे उस तरफ से, फर्स्ट टाइम मिले भाई, की लैंग्वेज की समझ नहीं आ रही पर भाई कौन सी भाषा बोल रहे हैं आप? हम कनाडा बोल रहे हैं। कनाडा? कनाडा कनाडा में मतलब के अगर कनाडा नहीं भैया, कनाडा कनाडा कनाडा। KGF मूवी देखी है आपने? KGF देखा है? हाँ, हाँ, देखा है। वो यहाँ पर तो हमें भाई दबाल किया है। KGF 2 देखा है? हाँ देखा, दबाल कर दिया। KGF 2 कहाँ पे देखा है? टीवी पे देखा है। टीवी पे देखा है। KGF 1 कहाँ पे देखा था? टीवी पे। वो थिएटर पे आई थी। अच्छा, थिएटर पे आई थी, अच्छी थी। रॉकी स्टार वही कनाडा। हाँ वही रॉकी। हमारे भाई हैं जो यहीं पे मिले हमें करतारपुर में। और आप कहाँ से भाई? हम साउथ इंडिया से। तो यहाँ पे आप कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? तुझे अलग तो नहीं लग रहा है यहाँ पे? अच्छा। एक ही है। अच्छा। ना तुझे अलग तो नहीं लग रहा है, कुछ भी अलग नहीं। अच्छा अच्छा, लोग वगैरह मतलब एक सेम जैसे, ये सब कुछ सेम है। ये भाई देख सकते हैं आप, लहू का रंग सेम है, आपका रंग सेम है, मेरा रंग सेम है। मतलब आप साउथ इंडियन है? साउथ इंडियन है। हाँ ठीक ठीक। तो आप कुछ बोल के दिखाए साउथ इंडियन में, मतलब कौन कौन सी भाषा आपको आती है, लैंग्वेज जो है? नाकु कोंजम कोंजम तेलुगु वस्तुंदी, కొంచెం తమిళ వర, కన్నడ అంతా బందే బరుత్ ననగే, మే అష్టే మలయాళం ననగ బరల్ల ఇవ్ర तो भाई समझ में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन अच्छा लग रहा है क्योंकि हमें मलयालम कन्नडा या तेलुगु या जो भी तमिल ये नहीं आती। तो भाई को हमें मिलकर बहुत अच्छा लगा। और बाहर जो है इतनी बारिश हो रही है, मेहनत कर रहे हैं। आप साउथ इंडियन मूवीज देखते हो? जी जी देखते हैं। कौन से कौन से देखा है? KGF देखे हैं, और अर्जुन की बाहुबली, मतलब ये सारी मूवीज हमने देखी है। पुष्पा, पुष्पा राज है तो भाई यहाँ पे तहलका मचा दिया है, झुकेगा नहीं सबको जो है ना, ये कहने पे मजबूर कर दिया है। अच्छा बाहुबली मतलब आप उनके आस पास ही रहते हैं या दूर? आस पास ही रहते हैं। कर्नाटक में बीच वगैरह है? कर्नाटक में बीच है, माउंटेन है। अच्छा अच्छा, पहाड़ पहाड़ है, बीच है, और क्या मैदानी इलाका भी है। सही सही, सब कुछ है भाई, बहुत अच्छा है। ठीक ठीक। और वहाँ की कोई फेवरेट डिश या खाना जो मतलब कि वहाँ पर फेवरेट होता है? वहाँ पे ये जो मसाला डोसा था ना? जी जी, मस्त। अपने अपने ही इन्वेंट हुआ था। ठीक ठीक। मसाला डोसा हो गया, और रवा इडली, समझते हो रवा इडली? इडली इडली चावल की बनती है? चावल की जो बनती है वो, और एक रवे से बनते है। अच्छा, उपमा बनाते है ना? जी जी, वैसे वैसे सूजी सूजी, हाँ सूजी से इडली बनाते हैं, वो भी इन्वेंट हुई थी कर्नाटका में। अच्छा अच्छा अच्छा। मसाला डोसा भी इन्वेंट हुआ था कर्नाटका में। मिलता है पाकिस्तान में मसाला डोसा? नहीं, यहाँ पे इतना नहीं मिलता, यहाँ पे बहुत मुश्किल से मिलता है। यहाँ पे आ जाओ कभी खा लो। कोशिश तो करेंगे भाई, बाकी
जो भी वन सीन है। ठीक भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप अकेले आए हैं, फैमिली के साथ आए हैं? ए, मेरी बहन आ चुकी है। अच्छा, मैं बहन को लेके आया। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। तो हम पूछते हैं दीदी से कि उनको कैसा लगा। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत सारा प्यार मिला पाकिस्तान आके। अलग तो नहीं लग रहा है वैसे, तो सेम फील ही है, लेकिन बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे लोग जी जी बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ के लोग और वहाँ के लोग तकरीबन सेम ही हैं और कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा जो है ना लोगों का ही, बाकी लोग अच्छे हैं। मतलब आपको क्या, आपको दिक्कत नहीं आने जाने में? दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, बहुत सपोर्टिव थे। खाना वाना खाया आपने? हाँ, लंगर चखा हमने। कैसा लगा टेस्ट यहाँ के खाने का? टेस्ट तो कुछ अलग तो नहीं लगा, चावल भी खाए, रोटी खाए, जो हम हमारे वहाँ भी हम खाते हैं। और स्पेशली जो ये बारिश हो रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? कि आपने सोचा था कि बारिश में आना पड़ेगा? बारिश होगी ये नहीं सोचा था, लेकिन ये भी कुछ अलग एक्सपीरियंस है। जी जी बिल्कुल, मतलब कि कोई चीजें ऐसी होती जो याद रह जाएंगी, तो ये बारिश में आपने विजिट किया, बारिश में आके हम पाकिस्तान घूमे थे, ये और भी स्पेशल रहेगा हमारे लिए। तो सुजीत भाई से मिलकर अच्छा लगा। हम भी यहाँ पे घूम रहे थे तो वो भाई मिले, बोला आप कहाँ से, तो हमने बोला पंजाब से, फिर बोला भाई ठीक है, फिर तो हमने बोला सोचा नहीं था कोई हमें बात करेंगे, कुछ कम्युनिकेशन। नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छे लोग, आप आएंगे ना फिर भी आप लोग आगे से अप्रोच कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं क्योंकि बारिश हो रही है और भाई इनको जाने का टाइम भी हो चुका है। और ये हमारे सुजीत भाई है और यहीं पे सपोर्ट करो भाई को, मेहनत बहुत करता है। कनाडा में बोल दो कुछ, कनाडा में? हाँ, कनाडा दल ಇರೋರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ, ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಮ್ಗೇನು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ಇವರಿಗೂ ಕೊಡಿ, ನಮ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಡ್ರು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ದೀದಿ ಭೀ ಬೋಲ್ತಿ ಹೇ ಕುಚ್ ಕನ್ನಡ ಮೇ ಬೋಲ್ದೆ ಆಪ್ ಕೆ ವಾಂ ಕೆ ಲೋಗೋ ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಇವ್ರ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರ ಚಾನಲಿಗೆ, ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಇವ್ರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು। ನಾಮ ಬತಾ ದೇ, ಕೇಸೆ ಬತಾಯೆಂಗೆ ಆಪ್ ವಿನಯ್ ಕಪೂರ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್, ಮತ್ಲಬ್ ಆಪ್ಕಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೇ? ಇವ್ರ ಚಾನಲಿನ ಹೆಸರು ವಿನಯ್ ಕಪೂರ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂತ। ಸೊ ನೀವು ಆ ಚಾನಲ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ। तो ये हमारे सुजीत भाई और मुल्तान का सोनलवा परचेस करें, क्योंकि मुल्तान का सोनलवा पूरे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फेमस है, तो यहाँ से लोग शो लेके जाते रहते हैं घर पे। हमारे यहाँ 2000 का लास्ट है नोट। हमारे सुजीत भाई जो है ना वो लगे पड़े हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली मार्केट वगैरह विजिट करके हम वापस आ रहे हैं गुरुद्वारा दरबार साहिब की तरफ। तो देख सकते हैं यहाँ से जो गुरुद्वारा दरबार साहिब कितना खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही प्यारा व्यू है। देख सकते हैं हल्की हल्की सी धूप निकली हुई है। और ये था गुरुद्वारा दरबार साहिब और ये है गुरुद्वारे के नाइट का व्यू। तो रात को देख सकते हैं लाइटों के साथ कितना गुरुद्वारा जो खूबसूरत लग रहा है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। सो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर की ओर। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।